नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में बहुत जल्द पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने वाला है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल मई में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। वहीं बिहार में पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने के प्रावधान किए जाने की तैयारी कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत आम चुनाव को लेकर ऑनलाइन नामांकन पत्र के साथ ही ऑफलाइन नामांकन पत्र भी दाखिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऑनलाइन नामांकन दाखिल किए जाने की व्यवस्था की गई थी। राज्य के सभी जिलों में ऑफलाइन के साथ ही प्रत्याशी द्वारा ऑनलाइन नामांकन पत्र भी दाखिल किए गए थे। बताया जा रहा है कि पंचायत आम चुनाव के दौरान करीब 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव होना है। चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने को लेकर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के समर्थक भी साथ आते हैं। ऐसे में निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में भीड़ को कम करने के लिए आयोग द्वारा ऑनलाइन नामांकन की भी तैयारी की जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि नामांकन पत्र दाखिल किए जाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सभी 6 अलग अलग पदों के नामांकन पत्र प्रारूप भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव 9 से 10 चरणों में संपन्न होंगे। आयोग के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जल्द ही पंचायत चुनाव का शेड्यूल राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वहीं बिहार में इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची और मतदान केंद्र की संख्या निर्धारित होने के बाद ही पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस बीच वर्तमान मुखिया और सरपंच लोगों को एक झटका भी लगा है। दरअसल प्रशासन ने कई पंचायतों में चल रहे भवन निर्माण कार्यों पर रोक लगा दिया है। वहीं बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के क्रम में मतदाता सूची में संशोधन और दावा आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया नियत समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा संशोधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए सभी जिलों को सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें संशोधित मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। वहीं 19 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना निर्धारित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद और सचिव हरेंद्र राम सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं इस बार भी 6 पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इनमें जिला पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच और वार्ड सदस्य का पद शामिल है। इसके साथ ही आयोग की तैयारी है कि किसी भी जिले में आचार संहिता अधिक दिनों तक नहीं रहे। इसके लिए पूरे जिले में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। बताते चले कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के तहत 2,58,000 पदों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के गठन की प्रक्रिया के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने स्तर से इसकी जांच करा लें कि मतदान केंद्र किसी भी थाना परिसर या किसी धार्मिक स्थल और मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर नहीं हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।